हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, क्या रणनीति होनी चाहिए, ये चीज़ें हम यहाँ पे आज इस वीडियो में सीखेंगे। प्राइस ड्रॉप यहाँ पे 90% हो चुका है, 90% यहाँ पे प्राइस इरोजन हो चुका है। अब यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो नेट सेल है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया है। इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखोगे कि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे गिरता है तो किस रीजन की वजह से गिरता है, और बढ़ता है तो किस रीजन की वजह से यहाँ पे बढ़ता है। आप लोगों को एक काम करना है, इस वीडियो का टारगेट हम 20 लाइक रखते हैं, तो इस 20 लाइक के टारगेट को कंप्लीट करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। 20 सब्सक्राइबर भी हमको इस वीडियो में चाहिए, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करना है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। चलिए यहाँ पे देखते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो क्या कहता है। screener.in पे हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये आप देख सकते हो, और आज की दिन भी यहाँ पे 3% का अपसाइड मूवमेंट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिला है। मार्केट कैप यहाँ पे 6000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 127 और 160 का हाई बनाया था और 89 का लो बनाया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 के आसपास है, यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे 368। दिस इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के पास पैसा है, बट शेयर प्राइस उससे 3 times लो है। यानी अगर 12:36 की बात करें तो यहाँ पे 360 होता है, तो यानी 33% के प्राइस पे अवेलेबल है कंपनी के पास। 100 rupees है तो आपको पर शेयर यहाँ पे 33 rupees पे अवेलेबल है, तो ये बताता है, इंडिकेट करता है कि वैल्यूएशन कहाँ पे है। और ग्रोथ देखना है, वैल्यूएशन बस नहीं देखना किसी का, कि यहाँ पे कोई कंपनी हो उसके फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होने चाहिए, तभी वैल्यूएशन यहाँ पे वैलिड होती है, अन्यथा यहाँ पे वैलिड कभी भी नहीं होती वैल्यूएशन। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों यहाँ पे 1:10 के आसपास है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 6.63 के आसपास है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 की है, और अगर यहाँ पे चलें थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज कर लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इससे आपको पता चलेगा। 10 साल का लगा देते हैं, 10 साल में आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोविड के बाद क्या गया था, 11, क्या गया था, 11, और अभी किस प्राइस पे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है, 6 भी नहीं पहुंचा है, 5.8 के आसपास है। तो यहाँ से वैल्यूएशन अच्छी दिख रही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखना पड़ेगा, फंडामेंटल अगर सही है ना तो वैल्यूएशन यहाँ पे गुड मानी जाएगी। तो फंडामेंटल में आ जाते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे क्या पोस्ट कर रहा है। इनकी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हो, मार्च 2022 में क्या थी, 2100 करोड़ के आसपास, अब मार्च 2023 में 2100। थोड़ा सा प्रेशर आएगा क्योंकि यहाँ पे कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से इनकी जो सेल्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट के साथ साथ इनके मार्जिन पे भी डंट पड़ा है। तो यहाँ पे क्या, इनका नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम आएगा पिछले ईयर से, और यहाँ पे नेट सेल्स भी कम आएगी क्योंकि ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई भी होम लोन्स लेना नहीं चाहता, तो उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे खर्चे एक्सपेंसेस क्या कितने आए हैं, अगर देखें तो एक्सपेंसेस ये देख सकते हैं, पिछले साल यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने थे, 1543 करोड़, एक्सपेंसेस भी कम हो गए यहाँ पे, इंटरेस्ट 1342 करोड़ मार्च 2023 में, और मार्च 2022 में एक्सपेंसेस कितने थे, 256 करोड़, और अभी एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं यहाँ पे 293 करोड़। एक्सपेंसेस किस वजह से बढ़ते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी, बिल्डिंग का जो रेंट है ये सब दिया जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, ये कंटिन्यूस बढ़ते रहते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी तो घटा नहीं सकते, एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं बट सैलरी कम नहीं कर सकते जितनी है, नहीं तो उसके लिए रीजन देना पड़ेगा। और इनका जो नेट प्रॉफिट आया है, फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर देखोगे तो मार्च 2022 में 390 करोड़ था, और अभी मार्च 2023 में 440 करोड़ है। किसके वजह से, इंटरेस्ट कम हुआ यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे
440 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, जबकि एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं। मेन मुद्दे की बात आती है नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट पिछले मार्च 2022 में कितना था, 307 करोड़, और अभी कितना है मार्च 2023 में, 263 करोड़, यानी कि थोड़ा सा डाउन हुआ है, कितने 10% के आसपास, यहाँ पे 10-15% के आसपास प्रॉफिट डाउन हो गया है। बट अगर पिछले क्वार्टर से बात करें तो यहाँ पे 291 करोड़ से 263 करोड़, फिर भी डाउन है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मार्जिन कम होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कम होगा। ईयर वाइज देख लेते हैं, ईयर वाइज भी आपको समझ में आ जाएगा। इनकी जो रेवेन्यू थी, रेवेन्यू ग्रोथ जो थी यहाँ पे, वो एकदम कांस्टेंट है। 2022 में 8988 थी करोड़ और अभी 8719 करोड़ है। फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, पिछले ईयर 1628 करोड़, अभी 1683 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, पिछले ईयर यहाँ पे 1178 करोड़ था, अभी यहाँ पे 1130 करोड़ के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन यहाँ पे इस ईयर ज़्यादा हुआ है। तो डिप्रिसिएशन देख सकते हैं 86 करोड़ का यहाँ पे डिप्रिसिएशन हुआ है, और इंटरेस्ट भी इन्होंने इस साल ज़्यादा पे किया है, ये देख सकते हो, जिसके कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट में डेंट पड़ा है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट, मेन मुद्दे की बात है। इनका मार्केट कैप कितना है, 6000 करोड़ मान लो, 6000 करोड़ यहाँ पे इनका मार्केट कैप है। इनके पास पैसा कितना है, अभी आज की डेट में इनके पास पैसा देखो 17272 करोड़ है। तो यानी 6 × 3 = 18, 3 times का तो यहाँ से डायरेक्ट चांस दिख रहा है आपको। और कुछ है यहाँ पे, बोरोइंग है, बोरोइंग ये लिए हैं। अब बोरोइंग बढ़ी कि कम हुई, तो बोरोइंग ये कम कर दिए, कितना 61,359 करोड़ से इन्होंने कर दिया 52,403 करोड़। बोरोइंग अगर कम किए तो इनको इंटरेस्ट देना कम पड़ा, और इंटरेस्ट देना कम पड़ा तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज देखने को मिला। समझ में आई बात, मुद्दे की बात यही है और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है, क्या बवासीर कांड चल रहा है। तो प्रमोटर ने अपना पूरा माल गला दिया। अब प्रमोटर ने माल गलाया तो खरीदा कुछ ने, ये बताओ यार। तो खरीदा था FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे माल खरीदे थे, उन्होंने भी क्या किया, माल को गलाना चालू कर दिया। माल को गलाया कितना, 18% तक यहाँ पे इनके पास है। इसके बाद आए DII कितना, इनके पास 12% था, अभी यहाँ पे 13% है, ये कुछ खरीदे। सर पूरा माल कहाँ बेचा गया, पूरा माल पब्लिक को पेला गया कितना, 23% से यहाँ पे 63% तक पेल दिया गया। अब क्या पब्लिक से ये माल खरीदेंगे, पब्लिक से माल अभी नहीं खरीदेंगे बड़े प्लेयर। कब खरीदेंगे पब्लिक से माल, जब नीचे प्राइज होगा। अभी ये जो खरीदे थे प्राइज ऊपर ले जाके पेल देंगे, फिर से पब्लिक के पास माल आ जाएगा, या अगर इनको ग्रोथ नहीं लग रही होगी, क्योंकि अंदर की बात इन्हीं को पता होती है, DII FII इनको ही पता होती है। तो अंदर की बात अगर गड़बड़ी निकली तो ये पब्लिक को माल पेलेंगे, तो यहाँ से पब्लिक की होल्डिंग अगर बढ़ेगी तो ये इस स्टॉक में के फंडामेंटल ख़त्म हो रहे हैं, और बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगा नेक्स्ट क्वार्टर। तो समझ में आई बात, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और यहाँ पे जो अदर हैं, तो अदर पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे अदर के पास 1.98% था, अभी यहाँ पे 4.88% है, तो उनको कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी होगी। तो सारी फैक्टर को कंक्लूड करना है। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि बुक वैल्यू यहाँ पे 3 times है, तो स्टॉक तो 3 times तक तो जाएगा, आज नहीं कल, ये तो पक्का है। अब ये है कि इसके फंडामेंटल थोड़ा सा लॉस ना पोस्ट करने लगे। लॉस अगर पोस्ट नहीं करता है, अगर बैंक के इंटरेस्ट कम होने लगते हैं, तो यहाँ से इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा, बैंक के इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। और जब प्रॉफिट ड्रास्टिकली यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन आराम से देखने को मिलेगा, जो कि होना ही है, अभी आगे चल के होना ही है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू तक जाने के चांसेस यहाँ पे मेरे को साफ नज़र आ रहे हैं। 368 है तो 300 तक तो जाएगा ही मेरे हिसाब से, और सभी का ओपिनियन अलग अलग होता है, इसलिए मैं बोला कि
कोई भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करिए, लाइक ठोक के जाइए। 20 लाइक का टारगेट रखा हूँ, 100 लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।